तो लोग कहते हैं कि बिना तेल के खाना नहीं बनता और बिना घी के खाना नहीं बनता, लोग बोलते हैं ऐसा। बिल्कुल झूठ है, मैं इसको आज आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, ठीक है? क्योंकि बिना तेल के खाना बनता है और बहुत ही हेल्दी बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। और कैसे, वो मैं आज आपको अपनी रेसिपी में बताऊंगा, राइट? तो मैं आज बनाने वाला हूं बिना घी या बिना तेल के पनीर की भुर्जी, ठीक है? आपने खाई होगी, हम लोग तेल डालते हैं, यूज़ करते हैं, घी यूज़ करते हैं उसमें, यू नो, लेकिन आज मैं बनाने वाला हूँ बिना घी और बिना तेल के। उसमें क्या करेंगे, अब देखो बिना तो नहीं लेकिन इतना सा, बहुत ही कम, जो कि हम बोलेंगे नाम मात्र के बराबर, हम डालेंगे उसमें घी, जो कि थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए और कुछ नहीं, राइट? तो वही बनाएंगे आज। फिर आपको दिखाऊंगा मैं क्या क्या स्टेप्स हैं इस रेसिपी के, जो वर्कआउट करते हैं लोग उनके लिए काफ़ी यू नो कारगर साबित हो सकती है ये डिश, क्योंकि इसमें प्रोटीन है भर के और गुड फैट्स हैं और कुछ नहीं, ठीक है? और बहुत ही सेहत के लिए यू नो बहुत सेहत के लिए अच्छी है ये डिश, आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं बिना घी और बिना तेल के बनाएंगे तो, राइट? बहुत अच्छा बनेगा, बहुत टेस्टी बनेगी। मैं हूँ नितिन और आप देख रहे हो अपना चैनल हेल्दी डिशेज। तो चलेंगे अपने किचन में और आपको दिखाएंगे क्या इसके स्टेप्स। चलिए तो चलते हैं। तो ये देखिए, पनीर की भुजिया के बनाने के लिए हमने क्या लिया है, इन्ग्रीडियंट्स हमारे पास हैं, मैंने 4 प्याज लिए हैं और 4 ही टमाटर लिए हैं, और ये देखिए 200 ग्राम पनीर है करीब, और ये थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं। तो इनको हमें क्या करना है, प्याज और टमाटर को हम लोग करेंगे फाइन चॉप, बहुत फाइन नहीं बट फाइन चॉप करेंगे, और फिर हम बनाएंगे इससे अपनी पनीर भुजिया। सो लेट्स गो। तो मुझे आप ये बताइएगा आपको पनीर की कौन कौन सी डिशेस पसंद है, ठीक है? जो मैं बना रहा हूँ ये तो बहुत ही बेहतरीन है, इसके अलावा आपको जो पसंद है मुझे बताना, कमेंट करना। अब हमारा ये गर्म हो चुका है, तो जैसे मैंने आपको वादा किया था, इसमें हम बहुत ही कम नाम, सिर्फ नाम मात्र का घी यूज़ कर रहे हैं, आप क्वांटिटी देख सकते हैं, ठीक है? इससे ज़्यादा घी मैं यूज़ नहीं करूँगा, जैसा कि मैंने वादा किया है आपको मेरे थोड़ी देर पहले। तो बिना घी के बनाएंगे, बिना घी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ही कम है घी है, तो वो बिना घी हम कहलाएगा, राइट? सो बिना घी के बना रहे हैं। तो ये जैसे ही गर्म होता है हम इसमें डालते हैं अपना जीरा, जीरा डाल लेते हैं इसमें, तो आप जीरे को थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए अपने घी के साथ, और जो हीट है उसके साथ जो जीरा आपका रोस्ट हो जाएगा, जैसे आपको रोस्ट आपका जीरा हो जाए, खुशबू आने लगे, तो फिर हम डालेंगे उसमें अपना प्याज, ठीक है? बेहतरीन डिश है फॉर जिम लवर्स, जो भी एक्सरसाइज पसंद करते हैं लोग, वर्कआउट करना पसंद करते हैं, उनके लिए बहुत ही शानदार डिश है, खूब सारा प्रोटीन है इसमें, गुड फैट्स हैं। तो ऐसे ही बनाना, बहुत सारा तेल मत यूज़ करना, बहुत सारा घी यूज़ नहीं कर रहे। तो ये एक ट्रिक की, मतलब ये ट्रिक बता रहा हूँ आपको मैं आज, बिना घी और तेल के भी ये वाली डिश बन जाती है, ठीक है? तो हमारा ये हो चुका है, हम इसमें डाल देंगे अपना प्याज, प्याज डाल के हम इसे गोल्डन ब्राउन करेंगे, बहुत ब्राउन नहीं करना, हल्का ब्राउन हो जाएगा तो हम उसको अपना, फिर डालेंगे इसमें हम अपना टमाटर। तो प्याज को पकाइए। तो जब तक हमारा प्याज भुर रहा है, हम अपना देखो पनीर को हम लोग कर लेते हैं मैश, इस तरह से मैश करना, हाथ लगाना ही पड़ेगा बॉस, कोई ऑप्शन नहीं है। और हाथ अगर नहीं लगाते हैं आप, आपको पसंद नहीं है, तो आई डोंट नो आपके कैसे खाना बनाते हो, बट इस तरह से आप अपने पनीर को मैश कीजिए और फिर हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप्स। तो ये देखिए हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है ना? अब टाइम है अपना टमाटर डालने का, टमाटर डाल लेते हैं और हरी मिर्च जो हमने काटी वो भी साथ में डाल लेंगे। ये पड़ेगा टमाटर आपका और ये पड़ी हरी मिर्च, इनको मिलाएंगे और इन्हें पकाएंगे अच्छे से। तो बॉस ये देखो, ये आपका टमाटर अच्छे से पक गया है। तो इसके 2 मिनट पहले ना आपको एक काम करना होगा, थोड़ा सा नमक डालना इस पर आप, तो आपका टमाटर नमक से अच्छे से पकेगा, क्योंकि नमक जो है टमाटर को पकाने का काम करता है। तो अब हम इसमें डालने वाले हैं अपने बाकी सारे स्पाइसेस जो हैं। सबसे पहले हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, उसके बाद हम डाल रहे हैं थोड़ी सी हल्दी 1 टीस्पून, फिर हम डाल रहे हैं 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और ये मेरे पास 1 टीस्पून है किचन किंग मसाला। तो ये हमारे मसाले इसमें जाएंगे और हम इसको अच्छे से मिलाएंगे और इसको हम 5 से 7 मिनट पकाएंगे
अपने मिक्सचर के साथ, तो मसाला अच्छे से पक जाएगा और उसके बाद ही हम डालेंगे अपना इसमें पनीर, ठीक है। तो ये पकाइए अच्छे से। तो ये देखिए जी, सारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं, टमाटर भी गल चुका है अच्छे से, और अब टाइम है अपना मिंट इंग्रेडिएंट डालने का, जो कि है पनीर। पनीर डाल देते हैं, और ये गया हमारा सारा का सारा पनीर, करीब 200 ग्राम पनीर है ये। आपको अगर इसकी क्वांटिटी ऊपर नीचे करनी है तो आप प्याज, टमाटर और बाकी स्पाइसेस की क्वांटिटी यू नो अकॉर्डिंगली आप घटा बढ़ा सकते हैं। तो इसे हम अच्छे से चला लेंगे। तो हमने मिला लिया है, और अब इसको हम लोग थोड़ी देर रख लेते हैं पकाने के लिए, कम से कम 4 से 5 मिनट, ठीक है। धक्के रखेंगे थोड़ा सा, कवर करना लिड इसकी, और फिर देखते हैं कि हमारी ये देखिए भुजिया रेडी है, पनीर भुजी रेडी है। धनिया का अगर कोई ऑप्शन है आपके पास तो आप कसूरी मिर्च भी डाल सकते हैं इसमें चूर के, बेहतरीन फ्लेवर देगी और अलग ही अरोमा आता है इसका। तो आप चूर के डाल दीजिए कसूरी मिर्च, और इसे कवर करेंगे फिर से 2-4 मिनट के लिए, ताकि इसकी जो इसका जो अरोमा है अपना कसूरी मेथी का, वो सारी अपना भुर्जी में चला जाए, राइट। तो अब इसको हम लोग निकाल लेंगे, प्लेटिंग करते हैं इसके, फिर देखते हैं। ये देखिए हमारी शानदार रेसिपी रेडी है ना, खूबसूरत खूबसूरत भी है, और साथ में बहुत ही न्यूट्रिशियस भी है, सेहत के लिए बहुत शानदार है। तो करीब 200 ग्राम पनीर हमने यूज़ किया था इसमें, तो आपको इससे कम से कम यू नो समवेयर अराउंड 35-36 ग्राम पनीर प्रोटीन मिल जाएगा। तो अगर आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है आपके, मतलब होगी तो ज़रूर, लेकिन अगर आपको प्रोटीन यू नो की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करनी है आपके एक दिन में, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं किसी भी एक टाइम, सुबह दिन या शाम को पनीर यूज़ करें अपनी डाइट में, क्योंकि गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड गुड सोर्स ऑफ गुड फैट्स, ठीक है। और घर पर ट्राई करना और बताना कि आपको एक डिश कैसी लगी, टेस्ट आया कि नहीं आया, बिना तेल के बिना घी के, राइट। सो ट्राई करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना एक, राइट। सब्सक्राइब आप कर नहीं रहे हो, प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना चैनल को, हिट द नोटिफिकेशन बटन एज वेल, की क्योंकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आएगा आपके मोबाइल तक पहुंच जाएगा। सो टिल वी मीट अगेन, कीप कुकिंग एंड बी सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।